मऊ में अब सब्जी के साथ साथ दाल पर भी ग्रहण लगने लगा है। बीते माह तक जो दाल 100 रुपए के नीचे बिक रही थी, आज आसमान छूने लगी है। दूसरी तरफ सब्जी का भाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सरसों के तेल के साथ रिफाइंड के दाम भी बढ़े हैं, वहीं कुछ अन्य चीजों के दामों में वृद्धि भी हुई है। बिहार के जमुई में सरकार ने किसानों से 1,868 रुपए प्रति क्विंटल सामान्य धान खरीद की कीमत तय की है। इसके विपरीत खुले बाजार में 1,100 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात 11 रुपए प्रति किलो धान बेचने को विवश है किसान। धान खरीद की लचर व्यवस्था से परेशान किसान ऑनलाइन भी कराने से परहेज कर रहे हैं। ऑनलाइन निबंधन के आंकड़े का आलम यह है कि अभी तक 1,000 के नीचे महज 729 ही है। फिलहाल धान खरीद की प्रशासनिक कवायद के बीच नमी का मानदंड बाधक बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इन दिनों बड़े रकबे में रबी फसल के रूप में किसानों द्वारा गेहूं की फसल ज्यादा ली जा रही है। पिछले साल हुए चने की खेती से हुए नुकसान की वजह से किसान इस बार गेहूं की फसल में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किंतु इसे विडंबना ही कही जा सकती है कि किसानों को इन दिनों बीजों के लिए सोसाइटी में भटकना पड़ रहा है। किसान सोसाइटियों में लगातार गेहूं के बीज के लिए चक्कर काट रहे हैं, किंतु बीज खत्म होने की बात सुनकर सोसाइटियों से निराश वापस लौट भी रहे हैं। इस साल के आंकड़ों पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं के बीज का ज्यादा उठाव हुआ है, उसके बाद भी किसानों को बीज के लिए भटकना पड़ रहा है। हरियाणा के कैथल की मंडियों में हो रही धान की आवक के बाद बड़े दाम से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। भाव बासमती के 4,600 रुपए, मुच्छल के 3,000 और 1,121 के भाव प्रति क्विंटल 2,970 रुपए तक पहुंच चुके हैं। धान के बड़े भाव से किसान काफी खुशी नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान के सीजन में शुरुआत में तो रेट काफी कम थे, लेकिन अब रेट बढ़ने से फायदा हो रहा है। पिछले सप्ताह 1,121 धान के भाव 2,700 से लेकर 2,800 रुपए थे, लेकिन 2,970 रुपए तक भी भाव पहुंचे हैं। जम्मू की मशहूर बासमती के चढ़ रहे दाम ने किसानों के चेहरे पर चमक ला दी है। किसान बासमती के भंडारण करने में जुटे हैं। उनका मानना है कि दाम और ऊपर जाएंगे तो बासमती बेचकर वे अच्छे दाम कमा पाएंगे। बासमती के दाम जो कि 2 हफ्ते पहले 3,800 रुपए प्रति क्विंटल थे, अब बढ़कर 4,200 से लेकर 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो चुके हैं। ऐसी उम्मीद है कि दाम अभी और बढ़ेंगे। किसानों ने बासमती का भंडारण कर मार्केट पर नजर रखना शुरू भी कर दिया है। बेहतर दाम मिलते ही बासमती को बेचना शुरू कर दिया जाएगा। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली में प्रवेश करने वाले कई मार्ग बंद होने के बावजूद शुक्रवार को फलों और सब्जियों की आवक में वृद्धि दर्ज की गई। देश की राजधानी में सब्जियों और फलों की आवक में सुधार होने से कीमतों में नरमी आई है। हालांकि आलू के थोक भाव में थोड़ी तेजी दर्ज की गई, जबकि प्याज के दाम में गिरावट देखने को मिली। गोभी, पालक, मटर समेत तमाम मौसम हरी शाक सब्जियों के दाम घटे हैं, जबकि भिंडी, तोरई, लौकी जैसी ऑफ सीजन की सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। शुरू में किसान आंदोलन के चलते फलों और सब्जियों की आवक घट गई थी, मगर अब सुधार देखा जा रहा है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी सी ने कहा है कि नेपाल से सोयाबीन तेल के भारी निर्यात से घरेलू रिफाइनरी इकाइयां और किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सी ने कहा है कि भारत को 5 अल्प विकसित दक्षिण देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान पर सीमा शुल्क की पूरी छूट है। एसोसिएशन ने कहा कि इस छूट का लाभ उठाते हुए नेपाल और बांग्लादेश से शून्य शुल्क पर उल्लेखनीय मात्रा में पाम तेल और सोयाबीन तेल का आयात शुरू हो गया है। हिमाचल के शिमला में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन से शिमला में प्याज की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। प्याज के ट्रक निर्धारित समय के मुकाबले करीब 4 से 6 घंटे देरी से शिमला पहुंच रहे हैं। इसके चलते दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के कारण सब्जियों की सप्लाई प्रभावित नहीं हो रही है। प्याज के ट्रक देरी से शिमला पहुंचने के कारण काट रोड पर ट्रकों की अनलोडिंग और प्याज के बोरियों को सब्जी मंडी पहुंचाने में देरी हो रही है। शिमला सब्जी मंडी के कारोबारियों का दावा है कि प्याज की सप्लाई लेट होने के बावजूद प्याज की कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 3 साल से बढ़ रहा गेहूं का रकबा अचानक कम हो गया। इस साल 32,000 हेक्टेयर गेहूं का रकबा कम हुआ है, वहीं चने का रकबा 34,500 हेक्टेयर बढ़ा है, यानी इस साल चने का रकबा 2 गुना से अधिक हो चुका है। इस बार चना 59,500 हेक्टेयर में बोया गया है।
पिछले साल जिले में 25,000 हेक्टेयर में बोया गया था। इस बार चने की बोवनी 20 से 30 अक्टूबर के बीच हुई। मध्य प्रदेश की मुरैना में समर्थन मूल्य पर बाजरा को 21.5 रुपए में खरीद रही मध्य प्रदेश सरकार इसे 1 रुपए किलो में पीडीएस की दुकानों में खपाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि धान और गेहूं की तरह केंद्र सरकार बाजरा को राज्य सरकार से नहीं खरीदती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार बाजरा की पीडीएस दुकानों के जरिए बीपीएल, अंत्योदय और पात्रता सूची वाले परिवारों को बेहद सस्ते दाम में देगी। किसानों का बाजरा इस बार अब तक के सर्वाधिक भाव में बिक रहा है, इसलिए समर्थन मूल्य पर बाजरा बेचने ही होड़ मची हुई है। बाजरा की खरीदी 5 दिसंबर तो तय है, इसके बाद भी तारीख बढ़ाई जा सकती है। देश में किसानों के विरोध के बीच किसानों के लिए खुश करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल NCDEX सरकार की रेगुलेटर बॉडी सेबी के साथ मिलकर सेमिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें सेबी और एक्सचेंज किसान कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और FPO बनाकर एक्सचेंज में मौजूद मुनाफे की संभावनाओं को न सिर्फ सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि बेहतर आय का साधन बना सकते हैं। इसके लिए देश भर में से FPO, किसान संगठनों, कारोबारियों, आर्थियों को जोड़ा भी जा रहा है। सेबी और NCDEX का यह कदम सराहनीय माना जा रहा है। ये सेमिनार 7 दिसंबर दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।